कभी आपने अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड को ध्यान से देखा है और सोचा है कि कीज पर जितने भी लेटर्स छपे होते हैं वे रैंडमली क्यों होते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं? शुरुआत में जब टाइपराइटर्स बनाए गए तब सारी कीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती थी, लेकिन टाइपिस्ट इन पर इतनी तेज टाइपिंग करने लगे कि मशीन्स जाम होने लगी। इसलिए उनकी स्पीड को कम करने व मशीन्स को बार बार जाम होने से बचाने के लिए साल 1872 में क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने क्वर्टी कीबोर्ड का आविष्कार किया। इनके इस्तेमाल से टाइपराइटर जाम भी नहीं होते थे और फास्ट टाइपिंग भी की जा सकती थी। हालांकि आज के समय में कीबोर्ड्स के जाम होने की कोई समस्या नहीं हो सकती, लेकिन क्वर्टी कीबोर्ड लोगों के बीच इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए कि हर कोई इनका इस्तेमाल करने लगा। है ना कमाल की बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।